गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञान तिमिराम धस्त ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश सह गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण। एक ठीक है हरे कृष्ण दामोदर भगत कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम ले लो हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को चरण में यथाजी को प्रणाम करता हूँ। आज हम लोगों का बहुत बहुत अच्छा दिन है। श्री दामोदर प्रभु जी अपना घर में सब वैष्णव लोगों को हरि कथा और हरि कीर्तन करने के लिए उन्होंने सभी को स्वागत किया है। इसलिए श्री शंकर जी पार्वती को कहते हैं और इधर भगवान राम लक्ष्मण जी को कहते हैं। बोले लक्ष्मण बोले अति हरि कृपा जा पर होई पाव दही यह संगत सोई। जब भगवान की किसी जीव के ऊपर में जब कोई विशेष कृपा होता है कहते अति हरि कृपा। अति मतलब भगवान की कोई विशेष जब कृपा होता है तभी जीवन में ये हरि कथा हरि कीर्तन वैष्णव का संगत ही प्राप्त होता है। जब तक ठाकुर का कृपा नहीं हो तब जीवन में ये साधु संग भी नहीं मिलता है और भगवान की कथा भी सुनने को नहीं मिलती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले धन दारा और सुत कहते ये पापी को भी होई। कहते पापी को पास में भी धन दौलत पुत्र परिवार ये पापी को भी मिल जाती है लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। ये भक्तों का संग और हरि कथा कहते ये दो चीज बड़ी भाग्यवान व्यक्तियों को ही ये साधु संग हरि कथा मिलती है। इसलिए आज हम लोगों का बहुत बहुत ही हरि बहुत बहुत ही अच्छा दिन है। इसलिए अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री राय रामानंद प्रभु जी की कथा। कहते जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आते हैं कहते वो अकेले नहीं आते हैं। कहते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्य धाम सहावतरी। जब भगवान इसी जगत में आए वो अकेले नहीं अपना धाम और परिकरों को लेकर के जगत में आते हैं और महाप्रभु एक एक भक्तों के द्वारा एक एक सिद्धांत को तत्व को स्थापन करते हैं। हाँ, जैसे श्री रूप गोस्वामी को द्वारा उन्होंने रस विचार को स्थापन किया। कहते श्री जीव गोस्वामी को द्वारा उन्होंने तत्व
वस्तु का उन्होंने स्थापन किया। श्री सनातन गोस्वामी को द्वारा वो संबंध तत्व की उनको द्वारा संबंध तत्व को उन्होंने स्थापन करते हैं। इसलिए हमारे श्री नरहरि ठाकुर एक कीर्तन को द्वारा वो बताते हैं महाप्रभु कौन सा भक्त को द्वारा उन्होंने जगत में क्या क्या जगत में स्थापन किया है। वो भजन को आप लोग गाते होंगे, बोले एल गौर रस नदी कादम्बी नि होए भासाई लगौड़ देसे प्रेम बृष्टि दे ओड़ो ओड़ो शब्दे आइल श्री अद्वैत चंद्र राय रामानंद ताए। उसमें वो भजन में गा रहे हैं, कहते श्री राय रामानंद जब उदाहरण देते हैं, बोले जस जल रस धाराता है राय रामानंद। कहते राय रामानंद द्वारा उन्होंने क्या स्थापन किया, बोले जल रस धारा। वो उदाहरण देते हैं जो रस की जो धारा है ना, कहते ये राय रामानंद के द्वारा जल रस धारा को उन्होंने स्थापन किया है, हैं? इसलिए कहते ये राय रामानंद कौन है, कहते ये कौन है, कहते कृष्ण लीला के ये विशाखा सखी है। केवल विशाखा नहीं, कहते महाप्रभु का जो भक्त है ना परिपूर्ण है, जैसे हरिदास ठाकुर को अंदर में प्रहलाद भी है और ब्रह्मा दोनों उनके अंदर में आए हैं, हैं? कहते उसी तरह राय रामानंद के अंदर में विशाखा है और ललिता सखी के कुछ अंश है और कृष्ण लीला में जो अर्जुन है, कहते ये अर्जुन भी है और जो एक अर्जुना सखी भी है। कहते इतने सारे ये राय रामानंद के अंदर में, ये सब के सब राय रामानंद के अंदर में आते हैं। इसलिए महाप्रभु का जो भक्त ये परिपूर्ण है। कहते ये साधारण व्यक्ति नहीं, कहते उसी समय उड़ीसा के गवर्नर थे, उड़ीसा बंगाल बिहार उस समय जो पूरी राजा का जो राज्य बहुत दूर तक था, वो वहाँ के गवर्नर थे। और विशाखा तो है ही, एकदम रस की ये साक्षात रस स्वरूप है। इसलिए कभी कभी सार्वभौम भट्टाचार्य, कभी कौन है, कभी ये बृहस्पति, ये विद्वान है, हैं? ये जो बृहस्पति श्री हमारे श्री सार्वभौम भट्टाचार्य पहले ये मायावादी थे, भगवान को निराकार निर्विशेष ब्रह्म रूप में मानते थे, इसलिए कभी कभी इनके अंदर में टकराव होता था। किंतु एक तो पूरा भगवान की भक्ति प्रेम रस को मानने वाले और एक व्यक्ति भगवान को निराकार मानने वाले। इसलिए राय रामानंद जब भगवान की भक्ति रस को विषय में विचार करते थे, सार्वभौम भट्टाचार्य इनको खिले उड़ाते थे, बोले क्या भगवान निराकार निर्विशेष वही ब्रह्म ज्योति अभी कृष्ण राम बन कर गए, क्या उनकी कथा सुना रहे हो। वो कभी कभी इनको खिले उड़ाते थे, लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से ये सार्वभौम भट्टाचार्य बदल गए, जब महाप्रभु को साथ में आत्मा रामस्य मुनयो निर्गंथो भी उरुक्र में कुर्बन अहितु की भक्ति इथम भूत गुण हरि, कहते इसी श्लोक को विषय में उनके अंदर में डिस्कशन हुई है, हाँ? क्योंकि जो आत्मा में रमण करने वाले जो बड़े बड़े ज्ञानी जो बड़े बड़े योगी है, लेकिन भगवान की लीला में भगवान की भक्ति में भगवत प्रेम में इतने आनंद उसमें इतने रस है, कहते जो आत्मा में रमण करने वाले जो योगी भी जब भगवान की भक्ति की बात सुनते हैं, जैसे चतुसन है सुखदेव गोस्वामी है, कहते कुर्बन अहित की भक्ति, वो भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति में इतने रस भक्ति में इतने आनंद है। जब उन्होंने इस श्लोक को विषय लेकर डिस्कशन हुई, जब उन्होंने इसी भक्ति में आ गए और उन्होंने महाप्रभु उनको षडभुज रूप में दर्शन दिए, तब श्री सार्वभौम भट्टाचार्य अभी समझ सके कि जो राय रामानंद ये कितने बड़े रसिक भक्त है, हाँ? ये कितने बड़े रसिक भक्त है, फिर जा करके उनको ये पता चलता है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अभी दक्षिण यात्रा कर रहे थे, दक्षिण यात्रा करते समय तो उसी समय उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु कहते, बोले प्रभु आप जा रहे हो दक्षिण यात्रा, बोले हाँ।
बोले जब दक्षिण यात्रा जा रहे हैं वहां पर एक बहुत बड़े रसिक संत है, पहले तो उनका महिमा मेरे को पता नहीं था, अभी मेरे को पता चला वो कितने बड़े रसिक भक्त हैं, इसलिए उसका नाम है राय रामानंद। आप उनसे जरूर मिलना, आप जरूर उनको मिलना। अभी मैं समझ रहा हूँ कितने बड़े रसिक संत हैं। लेकिन महाप्रभु क्यों जा रहे थे दक्षिण यात्रा, क्यों जा रहे थे, उनका यही कारण है राय रामानंद से मिलने के लिए, हा? उनका यही कारण है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं महाप्रभु राय रामानंद से क्यों मिले, कारण क्या, बोले कारण है महाप्रभु इस जगत में जो आए, आने का बहुत कारण है, उसमें विशेष करके चार ही कारण है। चार ही कारण में जो सबसे जो श्रेष्ठ कारण है महाप्रभु इस जगत में आए, और राधा रानी के प्रेम की क्या महिमा है, और कृष्ण कितने सुंदर है, हा? इसलिए कृष्ण भक्ति रस में क्या है, और राधा रानी की, राधा रानी कैसे वो कृष्ण प्रेम रस को आस्वादन करती है, कभी ये तीन कारण को लेकर के इसी जगत में कृष्ण राधा जी की भाव अंग कांति लेकर के इस जगत में आते हैं। लेकिन ये भक्ति रस तो साधारण है नहीं, राधा रानी के प्रेम की महिमा, कृष्ण की अद्भुत महिमा, राधा रानी कैसे कृष्ण प्रेम को आस्वादन करते, विषय तो साधारण नहीं, वो तो बड़ी हाई फाई चीज है ना। अभी गुरुदेव कहते थे बगैर गुरु के तो कोई कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए बिनु गुरु भवनिधि तरह ही न कोई, जो बिरिज शंकर सम होई, कहते ब्रह्मा शंकर जी के बराबर हो जाए जब तो कोई गुरु जी के चरण को आश्रय ग्रहण नहीं करे, कहते ये रस को कोई भी आस्वादन नहीं कर सकते। अभी भैया और जो इतने बड़े स्वयं कृष्ण है, जो स्वयं कृष्ण जिस रस को, जिस राधा रानी की महिमा को कृष्ण भी नहीं समझ सके, अभी प्रश्न है भैया गुरु भी तो हाई भाई होनी चाहिए ना, गुरु तो साधारण गुरु से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप जितने श्रेष्ठ विषय को आस्वादन करने चाहोगे आपको तो उतना उत्कृष्ट गुरु भी तो चाहिए ना, बगैर गुरु का तो आस्वादन नहीं कर सकते हैं। इसलिए अभी उनको गुरु जी चरण का आश्रय लेनी चाहिए, गुरु जी से सीखा लेना पड़ेगा। तब महापुरुष सोच रहे भैया गुरु अभी किसको बनाए, अभी हम गुरु किसको बनाए, ये चीज हमें कौन सिखा दे सकते हैं। फिर देखा ये राय रामानंद क्यों, कहते राय रामानंद ये विशाखा सके, हाँ इसलिए विशाखा इनको अनुराधा बताया। अनुराधा मतलब है राधा रानी की जितने गुण हैं ये विशाखा में विद्यमान है। जब कृष्ण कभी कभी ही जैसे राधा जी को साथ में, राधा की सखी एक अलग, उनको पार्टी और कृष्ण का पार्टी, जैसे इनको दोनों पार्टी में जैसे कभी कभी वो खेलते थे जिसमें राधा रानी मेन कृष्ण इधर मेन, अगर कभी राधा रानी नहीं हो तो उस समय विशाखा सखी राधा जी की काम करती थी। ये विशाख खानदर में राधा जी की सारी गुण राधा जी की विद्यमान है, ये अनुराधा इनको बताया गया है। इसलिए बोले भैया इसी विषय पर हमें केवल एक व्यक्ति अभी है जो कि वो चीज हमें शिक्षा दे सकता है, दे सकता है। इसलिए गुरु जी कहते हैं महाप्रभु का वहां जाने का, जो गोदावरी जाने का, दक्षिण जाने का यही मूल उद्देश्य है। अभी हम गुरु रूप में किसी को वर्ण करे ये सब चीज हमें कौन शिक्षा प्रदान करे, हाँ। इसलिए महाप्रभु जब पुरी में गंभीरा में महाप्रभु रहे ना, महाप्रभु जब गंभीरा में रहे तो महाप्रभु के पास में रात को कौन रहते थे, जो राधा महाप्रभु के प्रेम को बढ़ाने वाले, कहते केवल दो व्यक्ति रहते थे, एक स्वरूप दामोदर और एक राय रामानंद। केवल ये दो व्यक्ति महाप्रभु का भाव को, क्योंकि एक ललिता और एक विशाखा है, हाँ। इसलिए महाप्रभु की भावना को, महाप्रभु मतलब राधा रानी की भावना को समझने वाले ये दो व्यक्ति है, ललिता और श्री विशाखा सखी। यही दोनों व्यक्ति ही महाप्रभु के भाव को धीरे 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 बढ़ाया करते थे, हाँ। उनके भाव के अनुरूप भजन को गा करके, गीत गा करके, हाँ उनके भाव को बढ़ाया करते थे। इसलिए गुरुदेव कहते थे महाप्रभु को वहां जाने का यही उद्देश्य है, श्री राय रामानंद से वो मिले, हाँ। और राय रामानंद इतने बड़े वैष्णव, इतने बड़े वैष्णव राय रामानंद, जब महाप्रभु वहां पर गए, कैसे राय रामानंद तो साधारण है नहीं, वो तो उस समय गवर्नर है, हाँ। कैसे गाजे बाजे को साथ में, उनको जब स्नान करते थे गोदावरी में, गाजा बाजे को साथ में ब्राह्मण लोग
वेद ध्वनि कर रहे, वेद मंत्र पढ़ रहे, उसको साथ में स्नान हो करते थे, हाँ उनकी जो स्नान होता था। लेकिन जब महाप्रभु को साथ में मिले, दोनों मिल करके महाप्रभु पूछे, आप क्या राय रामानंद हो? बोले नहीं, मैं राय रामानंद नहीं, मैं तो शूद्र हूँ, मैं शूद्र हूँ। क्योंकि अभी बता रहे थे ना, जो भक्तों का जो स्वभाव होता है ना, जैसे किसी जिस वृक्ष में जितना फल आए वो वृक्ष उतना झुक जाती है, हाँ? जिस प्रेम में वृक्ष में फल नहीं हो वो पेड़ एकदम सीधा रहता है, और जिसमें फल हो वो अपने आप पेड़ झुक जाती है। इसलिए बोले मैं शूद्र अति मंद हूँ, मेरा रामानंद नहीं है। फिर महाप्रभु साथ में दोनों का आलिंगन करके एकदम दोनों प्रेम में विभोर हो गए। क्यों? एक तो राधा रानी और एक है विशाखाए, और कितने प्रेम है उनके अंदर में, और एक कृष्ण है, कृष्ण ही है, और एक विशाखा सखी है। दोनों को आंसुओं से दोनों को स्नान करा लिया। अभी बोले हम दोनों शाम को हम मिलेंगे, फिर मिल करके आपस में फिर अपना कृष्ण कथा करेंगे। इसलिए जहाँ पर ये राय रामानंद संवाद हुई, आप लोग कभी देखे हो, गए हो कभी, कहीं गए नहीं गए ना? हाँ, अभी अभी कभी भारत में जाओ ना, कभी इंडिया में घूमने के लिए जाओ, ये स्थान भी अपना जैसे अलग अलग स्थान पर घूमते हैं ना, वो वहाँ पर अभी हमारे गौड़िया मठ बना हुआ है। हाँ, अगर देखेंगे तो हम ले जाएंगे वहाँ पर। हाँ, अभी वो गौड़िया मठ है, वहाँ पर सुंदर नदी बह रही है, गोदावरी नदी बह रही है, बड़े सुंदर मनोरम स्थान है, कहते हैं वहीं पर। इसलिए जो ये राय रामानंद जो संवाद है उनके अंदर जो डिस्कशन हुआ, आप सुन रहे थे गीता में कृष्ण बोले और अर्जुन सुनते हैं, यहाँ पर अर्जुन बोलता है और कृष्ण सुन रहे हैं। क्योंकि जो राय रामानंद ये विशाखा भी और अर्जुन सखी और अर्जुन इनके अंदर में है। इसलिए चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में गुरु जी कहते थे, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में उसमें पांच टपिक है, जैसे भागवत में पांच चुपरास पंचाध्याय, इसको भागवत का पंच प्राण बताया। ये पंच प्राण, अगर शरीर में प्राण नहीं हो तो सब बेकार है। के दूसरी तरह चैतन्य चरितामृत ग्रंथ यह हमारे संप्रदाय में सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ, हाँ, इसलिए प्रभुपाद कभी ये ग्रंथ इतने बड़ा है। कई प्रभुपाद अपना शिष्यों को प्रश्न करते हैं, बोले ये बताओ अगर जगत से सारे ग्रंथ अंतर ध्यान हो जाए, सारे ग्रंथ जगत से चले जाए, ऐसे कौन सा ग्रंथ है इसी जगत में रहे, एक ग्रंथ सारे ग्रंथ का जो अभाव को एक ग्रंथ पूरी करेगा, ऐसे कोई ग्रंथ है? तो प्रभुपाद का शिष्य ने किसी ने कहा श्रीमद् भागवत है, किसी ने कहा वेद है, किसी ने कहा भगवत गीता है, ये सब के सब भक्त लोग अलग 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 बताए। लेकिन प्रभुपाद ने कहा नहीं, ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है, कहते ये ऐसे एक ग्रंथ है, वो एक ग्रंथ रहेगा ना, सारी ग्रंथ की अभाव ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ पूरी करेगा। समझो हमारे संप्रदाय में ये कितने अनमोल ग्रंथ है। इसलिए श्री राय रामानंद नहीं, श्री लचन दास ठाकुर कहते ना, एलो गौर रसन दि कदम, वो भजन में कहते हैं कृष्ण दास कबीराज रसेर भंडारी जतने राखिल प्रेम हेम कुंभ भारी। तो उदाहरण देते हैं कि चैतन्य चरितामृत है क्या चीज, कहते कृष्ण दास कबीराज, इनका नाम है कृष्ण दास कबीराज। कबीराज मतलब क्या है? कबीराज मतलब क्या? वैद्य, डॉक्टर है, डॉक्टर है। कहते ये दो तरह का कबीराज है, कहते हैं कि भवरों का कबीराज है, हाँ, और दूसरे जो कबीराज, मतलब कवियों में जो राजा है, इसलिए इनका नाम कबीराज, मतलब कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि श्री कृष्णदास कबीराज गोस्वामी। उन्होंने किया मतलब जतने राखिल प्रेम हेम कुंभ भरी। वो उदाहरण देते हैं, ये चैतन्य चरितामृत नहीं, ये एक सोने का एक कलसी है, सोने का एक कलसी है, कुंभ मतलब कलसी। तो उन्होंने क्या रखा, बोले जतने बड़े जतन पूर्वक, कहते कृष्ण प्रेम को जतन राखिल कृष्ण प्रेम हेम कुंभ वाली, मानो एक गोल्डन पट में उन्होंने कृष्ण प्रेम का राधा रानी के प्रेम को बड़े जतन पूर्वक उन्होंने रखा है ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथों को।
इसलिए गुरु जी कहते थे उसमें विशेष कर पांच टपी के उसमें है जो उसका पंच प्राण है, है? कहते एक है श्री राय रामानंद संभात, एक है, दूसरा है रथ यात्रा है, तीसरा है रूप शिक्षा, चौथा है महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी को शिक्षा दिया, और उसमें जो पंचमा है जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी को साथ में महाप्रभु का जो डिस्कशन है उसमें, कहते इसमें पांच जो उसमें विशेष टपिक जो उसका ये पंच प्राण है, और उसमें एक टपिक है श्री राय रामानंद संवाद। ये इतने बढ़िया टपी के राय रामानंद संवाद है, जैसे दूसरे दूसरे संप्रदाय में अरे भक्त है भक्त है, अरे भक्त भक्त है, लेकिन भक्त में जो तारतम्य है, हैं भक्ति में जो तारतम्य है, ये जो चीज है, कहते जब तक कोई ये राय रामानंद संवाद को नहीं समझेगा ना, वो भक्ति रस को नहीं समझ सकता है। बोले हाँ जिसको तिसको भक्ति थोड़ा करो तो कीर्तन हरे कृष्ण कर लो बस बड़े भक्त हो गए, बड़े भक्त हो गए, लेकिन ये अगर भक्ति रस को जानना तो ये टॉपिक को बहुत अच्छे तरह से समझनी चाहिए। अगर इसको समझ गया तो समझो आप सारे भक्ति रस को समझ गए इतने। इसलिए गुरुदेव पूरा राय रामानंद संवाद पूरा उन ग्रंथ एक निकाले, गुरुदेव ने जो लेक्चर दिया था ना पूरा वो एक, हाँ वो पूरा एक ग्रंथ निकला है उसके ऊपर में, इतने बढ़िया टॉपिक है। हम उसका दो एक कथा सुन लेते हैं, ठीक है। जब महाप्रभु के साथ में राय रामानंद मिले तो महाप्रभु राय रामानंद को प्रश्न करते हैं, कहते कह राय साध्यर निर्णय, हैं कहते साध्यर निर्णय मतलब है हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। जब उन्होंने ये प्रश्न की तब श्री राय रामानंद बोले स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति है, मतलब स्वधर्म आचरण मतलब हम जिस वर्ण और जिस आश्रम में हमने जन्म लिया है अगर उसको ठीक ठीक रूप में कोई पालन करता है ना उसको भगवत भक्ति उसको मिलेगा, है? जब उन्होंने बंगला में बोले महाप्रभु बोले नहीं शास्त्र में बताओ, हमारे शास्त्र में कहाँ लिखा हुआ, कहीं श्लोक श्लोकों को दे करके बताओ शास्त्र में कहाँ लिखा हुआ। मतलब महाप्रभु बोलते हैं जब आप किसको कोई कथा सुनाओ ऐसे नहीं तुम्हारी मन में जो इच्छा हुआ आपने बोल दिया, नहीं महाप्रभु कहते हैं उदाहरण दो, गीता से उदाहरण दो, हमारे भागवत से उदाहरण दो, हमारे पुराण से उदाहरण दो, वेद से उदाहरण दो, मैं कह रहा हूँ नहीं तो ये कह रहे भाई उसका कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है हमारे शास्त्र क्या कहता है भगवान क्या कहते हैं उस चीज को उदाहरण दे करके बताओ। तो उन्होंने पुराण से एक श्लोक उद्धृत किया है, वर्णाश्रम आचरवता पुरुषेन परपुमान विष्णु आराध्यते पंथम नान्य तत् सकारण, है तो उन्होंने ये श्लोक को बताया, ये श्लोक को बताए मतलब भक्ति का पहला सोपान कहाँ पर ये बता रहे। इसलिए कहते कहते जो चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागस, ये जो वर्ण आश्रम को किसने सृष्टि किया है, ये भगवान ने सृष्टि किया है गुण कर्म से, भगवान ये चीज को सृष्टि किए, चार जो आश्रम जो चार जो वर्ण हैं जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और चार आश्रम हैं ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी, इसको किसने सृष्टि किया, बोले भगवान ने स्वयं सृष्टि किया। क्योंकि जीव जब तक ये वर्ण और आश्रम में नहीं आएगा ना तो जीव को कल्याण नहीं, और ये वर्ण आश्रम केवल अब तक भारत में ही और किसी देश में नहीं है, और किसी देश में ये वर्ण आश्रम नहीं है, ये केवल ये भारत में ये वर्ण आश्रम है। इसलिए जो भारत भूमि को ना, इसलिए भारत भूमि, इसलिए इसका नाम है भारत। भारत मतलब क्या, भा मतलब प्रकाश, रत जो व्यक्ति हर समय प्रकाश का तरफ में रत रहते प्रकाश का तरफ में चलने वाले हैं, इसलिए भारत को सबसे पृथ्वी का सबसे पुण्य भूमि मानी गई ये भारत को, इसलिए सोने की चिड़िया होता है भारत को ना, बोले सोने की ये चिड़िया, लेकिन ये सोने की चिड़िया ना सब विदेश लोग आकर के सारे यहाँ से धन लूट लाट कर सब ले गए, सब लूट लाट कर आकर के ले गए भारत से। इसलिए कहती ये जो भारत है जितने गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु काबरी कहाँ है,
अयोध्या मथुरा माया काशी कांची जो धाम है ना, केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ, कहाँ पर है सारे ये भारत में जितने पुण्य नदी पुण्य तीर्थ जितने सारे ये भारत में, इसलिए वर्ण आश्रम केवल भारत में मिलेगा, आपको और कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर कह रहे हैं भ्रष्टाचार के द्वारा भक्ति कभी नहीं हो सकता है, इसलिए वर्ण आश्रम को ग्रहण करना पड़ेगा। कहते वर्ण आश्रम ग्रहण करने पर, यहाँ पर वर्ण आश्रम क्यों बताए, बोले जब तक ये वर्ण आश्रम को कोई ग्रहण नहीं करता है ना, वो भक्ति में धीरे धीरे बढ़ नहीं सकता, वो व्यक्ति कभी आगे कभी बढ़ नहीं सकता वो व्यक्ति। इसलिए यहाँ पर बताए इसको किसने सृष्टि की, कृष्ण कहते हैं चतुर्वर्ण मैया सृष्टम, कहते मैंने ही ये सृष्टि किया है, गुण कर्म के द्वारा मैंने ही सृष्टि किया है ये वर्ण और आश्रम को। जब कोई वर्ण आश्रम को धीरे 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 पालन करेगा, फिर धीरे धीरे वो व्यक्ति आगे धीरे धीरे बढ़ सकता है। जब उन्होंने ये बात को बताया ना, महाप्रभु बोले ये तो बाहर का चीज है, और आगे बताओ, आगे की बात बताओ। हाँ, इसलिए बोले उन्होंने इस चीज को बाहर क्यों बता दिया, जो वर्ण जो आश्रम को उन्होंने बाहर, बोले यह बाह्य ये बाहर का चीज, और आगे बोलो, बोले इसको ऐसे क्यों बोले, बोले यद्यपि भक्ति में प्रवेश करने का यह द्वार है, लेकिन वर्ण आश्रम धर्म जाजन करने पर आपको क्या मिलेगा, इसलिए पुराण में बताया स्वधर्म निष्ठ सत जन्म अभिपुमान ब्रह्मा। कहते आप जिस वर्ण आश्रम में जन्म ग्रहण किया, कहते अगर 100 जन्म तक अगर किसको कोई पालन करे ठीक ठीक रूप में, ऐसे तैसे नहीं, अगर कोई 100 जन्म तक, एक जन्म नहीं 100 जन्म तक अगर आप इसको कोई पालन करेगा, तो वो जाकर के ब्रह्म पद को प्राप्त करता है, ब्रह्म पद को प्राप्त करेगा अगर कोई सही सही रूप में। लेकिन ब्रह्म पद कब तक है, इसलिए कहते हैं ना आप ब्रह्म भुवन लोकात पुनरावर्तिन अर्जुन, वर्ण आश्रम करते हुए ब्रह्म पद को प्राप्त करोगे, लेकिन कब तक वहां रहोगे, बोले जब तक तुम्हारी पुण्य नष्ट नहीं हो जाता है, अब पुण्य नष्ट होते ही फिर यहीं पर आओगे। इसलिए कहते ये जो वर्ण आश्रम धर्म, इसलिए महाप्रभु बोले यह बाह्य, बोले ये बाहर का विषय है, बोले क्यों, कारण है ये ब्रह्मांड का अंतर्गत, इसको पालन करने से आप क्या करोगे, इसी ब्रह्मांड में घूमते रहोगे, कभी स्वर्ग कभी नरक कभी दास कभी प्रभु, कभी ऊंचे जाओगे कभी नीचे आओगे, संसार में ही तुम इसी संसार में घूमते रहोगे, लेकिन ये संसार से बाहर तुम नहीं जा सकते हो, ये ब्रह्मांड से तुम बाहर नहीं निकल सकते हो। इसलिए महाप्रभु बोलते ये बाह्य विषय है, ये जीवन का ये लक्ष्य नहीं है, क्योंकि जीव स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, जो जीव है वो भगवान के नित्य दास है, इसमें कोई भगवत दास की विषय इसमें नहीं है, इसलिए उसको उन्होंने बाहर कर दिए, बोल दिए। तो उसको आगे बोले तो उन्होंने बोले जत करोसी जत स्नासी जत जोहसी ददासी जत जत तपस्यसि कौन्तेय तद कुरु समदर्पण। जब उन्होंने ये बात बताए बोले देखो जत करोसी, तुम जीवन में जो कुछ करते हो, यहाँ बोले कर्मार्पण, कर्म को भगवान प्रति अर्पण करो, जो कुछ करते हो, जो कुछ यज्ञ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ देते हो, जो कुछ करते हो, इसलिए हमारे भारत में लोग क्या करते हैं, सारे कर्म करेंगे, कर्म करके इदम सर्वम कृष्णम अर्पणमस्तु, हम भगवान को सब कुछ अर्पण करते हैं। इसलिए बोले जो कुछ कर भगवान को अर्पण कर दो। जो उन्होंने ये बात बताए महाप्रभु इसको ही बोल दिए, कहते ये है बाह्य, कहते ये बाहर है, हाँ कहते आगे कहो और आगे का बात बताओ। बोले इसको क्यों उन्होंने बाह्य कर दिया, यद्यपि उससे श्रेष्ठ है, क्योंकि जो कुछ करते हो भगवान को अर्पण कर रहे हो, ठाकुर जी को ये अर्पण कर रहे हो, यहाँ पर कृष्ण का नाम आया है तो जर। लेकिन महाप्रभु उसको बोले बाह्य, बोले बाह्य क्यों बोल दिया, बोले कारण है पहले तुम स्वयं कर्ता बन गया, करने वाला क्यों न हो, कहते मैं करने वाला मैं, इसलिए बकरी मैं करता इसलिए मरता है ना, इसलिए कर रहा हूँ मैं, खा रहा हूँ मैं, कर रहा सब मैं यहाँ पर आ गया है, करने वाला मैं, घर बनाया मैं, दुकान कर रहा मैं, इसलिए इसमें मैं आ गया, इसलिए माया है, इसलिए तेरी मैं मेरी ये माया हो गई, इसलिए
बल्कि इसमें मैं पड़ा आ गया है, हैं? इसलिए ये शुद्ध भक्ति नहीं। बोले शुद्ध भक्ति कहते हैं किसको? कहते प्रहलाद महाराज को। सो जो पिताजी ने पूछा, तब तुमने जो गुरुकुल में गया था, गुरुजी ने तुम्हें जो शिक्षा दी है, सबसे उत्तम विद्या तुमने क्या पढ़ी है? हैं? विद्या को अंदर में सबसे उत्तम विद्या तुमने क्या पढ़े हो जो बताए? तब ये प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रियते भगवत अध्यात्मने धीतम तम। वहां पर कह रहे उत्तम भक्ति वह है पहले आप ठाकुर के चरण में गुरु जी के चरण में समर्पित हो जाओ। पहले गुरु जी के चरण में संपूर्ण शरणागत हो जाओ। जैसे कि गैया होता है ना, जब किसी गैया को हम किसको बेच देते हैं वो गैया किसकी हो गया? जिसको हमने बेच दिया उसकी हो गया गैया। अभी वो अपना इच्छा से कुछ नहीं कर सकता है, हैं? कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि उसी तरह पहले तुम गुरु जी की शरण में, ठाकुर के शरण में संपूर्ण शरणागति हो जाओ। संपूर्ण शरणागति हो करके अभी हम किसके बन गए? हम ठाकुर जी के बन गए। हमें अपना अस्तित्व हमारी कुछ नहीं रह गया, हम गुरु जी के ठाकुर जी के बने गए। जब गुरु जी के ठाकुर जी के बने गए, अभी करेंगे तो किसके लिए करेंगे? जो कुछ करेंगे ठाकुर जी के लिए करेंगे, क्योंकि अभी गुरु जी का हम ठाकुर के विकृत हम हो गए हैं, उनके चरण में पूरा बिक गए हैं। शरीर स्नान भी करेंगे किसके लिए? ये शरीर से ठाकुर का सेवा होगा, इसलिए हम स्नान कर रहे हैं। कपड़े भी पहने रहे क्यों? इसलिए ठाकुर की हम सेवा करेंगे। कहते रोसे भी बना रहे हैं क्यों? ठाकुर जी को भोग लगेगा। घर भी साफ कर रहे हैं क्यों? ये ठाकुर की मंदिर है, ठाकुर की ये दरबार है। इसलिए कोई काम भी कर रहे हैं बोले क्यों? हम ठाकुर का कृष्णदास है, कृष्णदास हमें भगवान की सेवा के लिए। इसलिए उन्होंने इसमें जो बताया स्वयं कर्ता बन करके वो चीज को ठाकुर जी को अर्पण कर रहे हैं। इसलिए महाप्रभु बोलते भैया ये बाह्य है, ये बाह्य। और आगे की बात बताओ। जब उन्हें आगे की बात बताए, फिर उन्होंने बताया जितने सारे हैं कर्म हैं, कभी जितने सारे कर्म हैं ये तो अर्पण हो गया, कभी सारे चीज को त्याग दो। तो उन्होंने एक श्लोक बताए भगवत गीता से, आज्ञा एव गुणान दोषान मया दिष्टान अपि सकान। यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं बोले देखो, गीता में तो कृष्ण खुद बोले चतुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुरुनो कर्म विभाग। कृष्ण तो गीता बोले, कर्म बात भी बताए, ज्ञान की बात बताए, भक्ति का बात, कृष्ण ही सब कुछ बोले। लेकिन ये श्लोक में कह रहे हैं बोले कृष्ण बोल रहे हैं इसलिए करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। हम बोले कृष्ण भी तो ये बोले कर्म करके अर्पण करते, गीता का श्लोक है ना, जो कुछ करो करके भगवान को अर्पण करो। कर्म ज्ञान भक्ति का बात बताए, कहते नहीं। यहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण बोलने पर भी कहते उसका गुण दोष को जो विचार करके, वो चीज को विचार करते हुए, सब कुछ त्याग करते हुए मेरे जो भजन करते हैं ना कृष्ण, कहते वो श्रेष्ठ है। इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं बोले नहीं, उसका गुण दोष को विचार करो। भगवान का भी जो बोले इसमें क्या दोष है क्या गुण, ये चीज को विचार करो। विचार करके फिर बुद्धिपूर्वक विचार करके जो बात को कह रहे हैं वो चीज को करो। इसलिए कृष्ण फिर गीता के लास्ट में बोल देते ना, बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि माम। कृष्ण कह रहे ना, खुद कह रहे हैं बोले सर्वधर्मान मतलब क्या? बोले पहले तो तुमको वर्णाश्रम आश्रम का धर्म बताया, वर्ण आश्रम करो, लेकिन ये सारे धर्म को जो त्याग करके सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, जो केवल मेरी चरण में शरणागत होते हैं उसको सारे पाप से मैं छुटकारा कर दिला देता हूँ, सारे पाप से मैं। इसलिए तुम इसी विषय पर कोई चिंता मत करो, माम सोचो कोई चिंता मत करो। जब उन्होंने ये बात को बताए तब भी महाप्रभु बोले भैया ये बाह्य है, अभी ये भी बाह्य है। बोले क्यों? बोले अभी तक तुमने भक्ति की लाइन में नहीं आए। इसलिए जब अर्जुन को बोले ना नारद, तुम कृष्ण का सबसे श्रेष्ठ भक्त हो, तुम कृष्ण के सबसे प्यारे भक्त तुम हो। बोले मैं भक्त हूँ? कृष्ण गीता में देखो मेरे को क्या कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब अभी तक मैंने सारे धर्म को छोड़ा ही नहीं। इसलिए जो गीता को ना, गीता को भक्ति का एकदम क्लास वाहन की बात बताए, क्योंकि उसमें पहले गीता का सर्वश्रेष्ठ उपदेश है
सब धर्म को छोड़ो मेरे, इसका मतलब धर्म मैंने छोड़ी नहीं अभी, अभी इस संसार का चक्कर में अभी बड़े हुए है। हाँ? कृष्ण मेरे को इतने थर्ड क्लास उपदेश कृष्ण ने दिया है, और हम कृष्ण का इतना बड़े भक्त कैसे हो गए। हाँ? इसलिए जब उन्होंने ये बात को बताया, बोले और आगे की बात बताओ, तब उन्होंने बोले ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचंती न कांक्षंती, उसके बाद में मई वहां पर श्लोक आता है, हाँ, मत भक्ते लभते पराम। तो वहां पर कह रहे हैं बोले उससे श्रेष्ठ जो है ना, कहते ब्रह्म भूत जो ज्ञान मिश्रा भक्ति को बात बताए। हाँ? यहाँ पर तो कर्म मिश्रा, कहते कर्म मिश्रा भक्ति से जो ज्ञान मिश्रा जो भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है। कहते वो क्या है, बोले ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा। कहते जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं भगवान को निराकार निर्विशेष मान करके जो भक्ति करते हैं, बोले ब्रह्म भूत, ब्रह्म भूत मतलब संपूर्ण वो ब्रह्म में वो डूब जाते हैं। कहते अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि तुम वही ब्रह्म हो। हाँ? हाँ? इसलिए कहते ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, जो एकदम ब्रह्म में डूबे हुए जो व्यक्ति है, जो प्रसन्न आत्मा और हर समय एकदम प्रसन्न आत्मा में रहते हैं, न सोचती न कांक्षती, उनको कोई चिंता भी नहीं, कोई चीज की इच्छा भी नहीं। हाँ? इसलिए ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती सम सर्वेषु भूतेषु। हाँ? इसलिए सम सर्वे सब जीवों को अंदर में भगवान की अनुभूति करते हैं। कहते मत भक्ते लभते पराम, कहते धीरे 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 क्या करता है, धीरे धीरे भगवान भक्ति को एक दिन ब्रह्म भक्ति को प्राप्त करता है। जब उन्होंने ये बात को बताया ना, महाप्रभु बोले भैया ये भी बाहर का चीज है, ये भी जीव का ये अंतिम लक्ष्य नहीं है, इसलिए इसको और ऊपर का बात बताओ। हाँ? और ऊपर का बात बताना चाहते, जब उन्होंने ये बात को बताए, बोले महाप्रभु इसको और ऊपर की बात क्यों बताए, बोले इसको महाप्रभु ने क्यों स्वीकार नहीं किया। कहते जो जो शुद्ध भक्ति का जो लक्षण है, कहते अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति ऋतुमा। आप लोग समझ रहे कि नहीं, देखो ये चीज को समझ गए ना, समझो ना, अब बहुत बड़ी एक अच्छी चीज को समझ गई, क्योंकि यही चीज बता रहे हैं सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है। हैं? सर्व ये चीज को महाप्रभु क्यों नेगलेक्ट क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है, जीव का सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन किया जगत में, ऐसे क्या चीज को हम प्राप्त करें, जीवन का सर्वोच्च वस्तु का हमने प्राप्त कर लिया ये बहुत। इसलिए महाराज जी इस विषय पर बहुत बार महाराज ने क्लास दिए है, इसलिए बोले क्योंकि जो शुद्ध भक्ति है, कहते अन्याभिलाषिता शून्यम, जिसमें दूसरे कोई चीज का अभिलाष नहीं हो, ज्ञान कर्म, ये जो ज्ञान है जो कर्म है उसको द्वारा ढकनी नहीं चाहिए। हाँ, कर्म के द्वारा भी और ज्ञान के द्वारा भी ये चीज नहीं ढकनी चाहिए। अनुकूलन कृष्णानुशीलनम, जो काम करने पर भगवान की रुचमाना प्रवृत्ति, भगवान प्रसन्न होते हैं, वो एकदम शुद्ध भक्ति है, लेकिन इसमें वो शुद्ध भक्ति नहीं है। फिर उन्होंने एक श्लोक बताते हैं, बढ़िया श्लोक बताए, जहां से महाप्रभु कहते हैं यह हाय, अभी तक तो इस चीज को नेगलेक्ट कर रहे थे, नहीं ये बाहर है बाहर है, लेकिन अभी जो श्लोक कह रहे हैं यहीं से महाप्रभु स्वीकार करते, बोले नहीं अभी तू सही लाइन में आ गया है, अभी तक तुम जो जा रहे ना लाइन से बाहर तू जा रहा था, अभी तुमने सही लाइन में आ गए हो। कहते ये श्लोक क्या है, बोले ज्ञानी प्रयासम दुपास्य नमंत एव जीवन्ति सन्मुखरीतं भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिताम श्रुतिगताम तनुवांग मनोभि जे प्रायस अजीत जित अपि स्त्रैलोक्याम। इसलिए ये श्लोक बहुत बढ़िया श्लोक, ये श्लोक कब कौन बोल रहे, बोले ब्रह्मा जी। बोले ये श्लोक ब्रह्मा जी कब बोले, जब ब्रह्मा जी कृष्ण के बछड़े सखाओं को चोरी करके ले गए थे। हैं? वो सोच रहे थे ये कोई साधारण बालक होगा, लेकिन कृष्ण अपना शरीर से बछड़े सखाओं को सृष्टि करके वैसे लीला कर रहे थे। ब्रह्मा जब इसको गुफा में छुपा करके जब गए ब्रह्मलोक में, देखा उनका जो दरवान थे उनको घुसने नहीं दिया, बोले तू कहाँ से आ गया, हमारा प्रभु तो अंदर में बैठे हुए। बोले भैया अंदर में कौन बैठा है, उनका दरवान उनको भगाए, फिर वहां से जल्दी जल्दी आए, फिर देखा रे
कृष्ण जैसे वैसे लीला कैसे कर रहे हैं, मैंने तो सबके सब छुपा कर गुफा में रख दिया, फिर वो भी सो रहे हैं, ये भी उस चक्र में पड़े गए। फिर जब कृष्ण दिखाया, देखो ये बछड़े सखा कौन है, ये कोई नहीं है, मैं स्वयं धारण किया हूँ। फिर जितने बछड़े सखा सबके सब नारायण नारायण नारायण, फिर तो वो समझ गए ये मेरे बाबा की बाबा के बाप है, ये मेरे पिताजी की, इसलिए बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदा जोर से अनादि। हाँ, ये सब कारणों का कारण ये कृष्ण है। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की। हाँ, इसलिए तब उन्होंने उनको कृष्ण की स्तुति करते करते बता रहे हैं, बोले भगवान का एक नाम है अजीत। अजीत मतलब होता है जिनको पाना जितना बड़ा कठिन, मतलब जिनको जीव प्राप्त ही नहीं कर सकता है, उनका नाम ही अजीत है। कोई जीत नहीं सकता, कोई पा नहीं सकता। बोले भैया उनका नाम अजीत, फिर क्या उनको प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं, कि उनका नाम ही अजीत है, उनका पाना ही कठिन। तो ब्रह्मा इसी श्लोक में कह रहे हैं, अगर उनको पाना चाहते हो क्या उपाय है, ये श्लोक में बता रहे हैं। हाँ, इसे बोले ज्ञान प्रयास मुद्दुपास्य। कहते जो ज्ञान की जो चेष्टा, पहले श्लोक में बताया ना ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, यहाँ तो ब्रह्म की बात बताई। बोले ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म कहते ये ज्ञान का जो प्रयास संपूर्ण रूप में छोड़ो ये चीज को, हाँ मैं ब्रह्म हूँ तुम ब्रह्म हो, हाँ मैं इस चीज को संपूर्ण रूप में छोड़ दो। छोड़ कर क्या करो, ज्ञान प्रयास मुद्वास नमंत एव जीवंती सन्मुख रीतम भवद्यवर्ता। इसलिए क्या करो, बोले जो भगवान की जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान की जो प्योर भक्त हैं, उनकी चरण को नीचे रहते हुए, उनके चरण को आश्रय करते हुए क्या करो, बोले सन्मुख रीतम भवदीय वार्ता, इनकी मुखार बिंद से भवदीय मतलब होता है भगवान और उनका भक्त है, ये दोनों कथा को सुनो। जैसे भागवत में क्या है, भगवान उनके भक्त ही कथा है, भक्त को छोड़कर भगवान नहीं, भगवान को छोड़कर उनका भक्त भी नहीं। इसलिए भगवान की कथा को कैसे सुना सुननी चाहिए, कैसे, बोले तन बांग मनो भी, बोले तीन वस्तुओं को द्वारा कथा सुननी चाहिए, बोले काय मन और वाक्य, ये तीनों से कथा सुनो। बोले भैया कथा जैसे हम सुन रहे हैं, कैसे कथा सुन रहे हैं, कानों में ना कथा कैसे किधर सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बोले काय मन और वाक्य। बोले काय मन वाक्य में कैसे कथा सुने, कथा तो हम कान से सुनते हैं, पर यहाँ पर काय मन वाक्य क्यों बताए, हाँ? तब विश्वनाथ चकु ठाकुर कहते हैं, पहला काय, काय मतलब शरीर, शरीर कथा कैसे सुने, शरीर है तभी तो कथा सुनने के लिए आए, अगर शरीर नहीं होता तो कथा सुनने के लिए कहाँ से आए। और काय का मतलब होता है जैसे गए ना, गए और कथा में बैठी गए, नहीं, वहाँ कथा सुनने का नियम बताया, पहले जाओ वो स्थान को पहले प्रणाम करो, क्योंकि जहाँ पर ये हरि कथा हो रही है वो स्थान साधारण वस्तु नहीं। इसलिए भागवत में बताया सर्वाणि तीर्थानि बसंति तत्रा, जहाँ पर ये भगवत कथा होती है पृथ्वी का सारे तीर्थ आकर के वहीं पर बैठते हैं, और जो स्थान है वो अत्यंत पवित्र स्थान मानी जाती है जहाँ पर हरि कथा हो रही है, पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर निवास करते हैं। इसलिए पहले जाकर के उस स्थान को प्रणाम करो, और कथा में जितने लोग बैठे हैं ना उनको प्रणाम करो, और कथा जो बोल रहे हैं उनको प्रणाम करो। इसलिए बोले काय, और दूसरा है बोले मन। कथा कैसे सुननी चाहिए, बोले मन को द्वारा सुननी चाहिए, क्योंकि जैसे शरीर यहाँ पर है, अगर मन अगर और कहीं पर हो फिर क्या कथा सुन सकते हैं, भले ही शरीर यहाँ पर हो, शरीर रहने पर भी कथा जब पूछेंगे भैया मैंने कथा में क्या सुना, बोले मैंने कथा सुनी नहीं, बोले यहाँ तुम तो कथा यहाँ बैठे हुए यहाँ पर, बोले बैठने पर भी यहाँ पर मन नहीं था, वो हमारा मन तो और कहीं पर था। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य जगादमन में कह रहे हैं, कहते कथा सुनने के लिए भक्ति करने के लिए पांच चीज की जरूरत है। कहते पांच चीज की जरूरत है कथा सुनने के लिए, बोले क्या है, बोले पहला नंबर लय। लय मतलब होता है जो कथा में आकर सो जाते हैं, कथा में आकर के सो जाते हैं, क्यों कथा में देखना नींद आती है,
इधर उधर का बात हो ना, निंदा चर्चा चुगली हो, कान खड़ा हो जाएगी, लेकिन जब भगवान की कथा हो ना, बोले झुमे झुमे तला से वाली सी। भक्ति में ठाकुर कहते हैं, भक्ति में ठाकुर कहते हैं, यदि अन्य कथा पाओ आटिया साटिया कहो, मतलब है अगर दूसरा कोई बात, कोई भूत सांप की बात हो ना, अरे हम भी इतना बड़ा सांप देखा था, हम भी इतना बड़ा भूत देखा था, उसमें एकदम नींद चली जाती है। लेकिन भगवान की कथा हो, यदि अन्य कथा पाओ आटिया साटिया कहो, मतलब शरीर में जान आ जाती है। और कृष्ण कथा लयित आलिस, अगर भगवान की कथा हो ना भाई, नींद आ रही, तकिया लाओ तो नींद। इसलिए पहला नंबर लय, और दूसरा नंबर विक्षेप। विक्षेप मतलब होता है, आप देखो अब सिनेमा, जब कोई सिनेमा देखने के लिए 3 घंटा जाते हो, नींद आती है आपको? 3 घंटा में नींद आती है? पैसा दे करके देखेंगे, आधा घंटा वहाँ लाइन में खड़ी रहेंगे, पैसा देकर 3 घंटा आग फाड़ फाड़ करके वहाँ पर देखेंगे, शाहरुख खान और इसलिए बड़े इसमें बड़े इंटरेस्ट इसमें कहता है। लेकिन आप देखो, आप थोड़ी सी माला लेकर बैठे भजन करने के लिए, बोलो अभी तक तो माला खत्म नहीं रही, अभी तक माला ही खत्म नहीं हो रहा है, अभी तक माला, हाँ अभी सब प्रसाद ठंडा होते जा रहा है, माला खत्म नहीं हो रहा, हाँ। इसलिए इसको विक्षेप मतलब होता है, आप देखना, अब जब भजन में बैठो ना, मन इतने चंचल होता है, ये कब खत्म हो, कब खत्म हो, कब खत्म हो, ये माला कब खत्म हो, पूजा कब खत्म हो, इसको कहते हैं ये विक्षेप है। कहते अभिनिवेश, अभिनिवेश मतलब होता है, जैसे भरत महाराज जी बैठे तो भजन में बैठे, लेकिन जब भजन में बैठे हैं उस समय हिरण आकर कभी गोद में बैठ जाए, सिंह से उनको पीठ खुजलाने लग जाए, बस कहीं शेर आकर के उसको खा नहीं जाए, लेकिन माला तो कभी तो भजन करते, हाथ भी चल रहे, मुंह भी चल रही, लेकिन जो मन है ना, ये मन तो और कोई चिंता कर रहा है, इसको कहते अभिनिवेश। और कहते हैं रसास्वाद, रसास्वाद का मतलब होता है, जैसे भजन कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भजन कर रहे, हाथ भी मुंह चला है, लेकिन जो मन है ना, किसी गोलगप्पे दुकान में, नहीं तो टिकिया, नहीं तो सिनेमा दुकान में, नहीं तो मल में चला गया मन, और एक चीज को लेकर खूब हरे कृष्ण नाम ले, सब कुछ कर रहे, लेकिन मन और किसी चीज को लेकर आनंद, दूसरे चीज में आनंद ले रहे, किसी यार दोस्त को याद करके बस आनंद वहां, लेकिन चल रहे माला और मुंह चल रहा है यहाँ पर, लेकिन मन वहां पर नहीं, हाँ। इसलिए कहते हैं भैया, भक्ति करने के लिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, ये सब चीज से दूर होंगे तभी तो जा करके, इसलिए बोलते हैं काय मन, मन मतलब होता है काय मन, बाकी से कथा सुनो ना, इसलिए मन मतलब होता है, जैसे कथा में मन की आवेशता चाहिए, और वाक्य काय मन और वाक्य से कथा सुननी चाहिए, वाक्य मतलब होता है जैसे कथा सुने, सुन करके और को दूसरों को भी जाकर कथा सुनाओ, हमने आज बड़ी कृष्ण की सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी कथा सुनी, भैया तुम भी भजन करो, तुम भी कृष्ण कथा करो, तुम भी भगवान के माला जप करो। इसलिए ब्रह्मा जी कहते जो तनुवांग मनोभी, बोले स्थाने स्थिताम, स्थाने स्थिताम कहते जो कथा सुने, स्थाने स्थिताम, स्थाने स्थिता मतलब होता है जहाँ पर भक्त लोग है, जहाँ पर तुम्हारी कथा हो रही है, वो स्थान में रह करके कथा सुना करो। मन कभी चंचल होता है ना, अरे इधर चल घूमने चले, उधर चल घूमने के लिए, बोले जितना ज्यादा घूमे में मन उतना ज्यादा चंचलता आती है, उतना चंचलता है। इसलिए भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं जेखाने वैष्णव गण सही स्थान वृंदावन, जहाँ पर वैष्णव लोग वहीं पर वृंदावन, वहीं गिरिराज गोवर्धन, वहीं पर राधा कुंड श्याम कुंड, हाँ जहाँ हरि कथा जथा सही गिरि तथा गोवर्धन भूमि तथा वृंदावन, जहाँ हरि कथा हो रही है समझो, वो सारे तीर्थ वहीं पर है, सारे तीर्थ। इसलिए मन को स्थिर करते हुए, और दूसरी बात है स्थाने स्थिताम, कभी कभी होता है नहीं, अभी अगर किसी को भजन के लिए बोलो, अभी टाइम ही नहीं आएगा, अभी लिखाई पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी चाकरी करेंगे, फिर शादीशुदा करेंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनको शादीशुदा करके जब रिटायर्ड लाइफ होगा ना, तब हरे कृष्ण वाला कर लेंगे, कद नहीं, बोले स्थाने स्थिताम, अभी जीवन में जो स्थिति है समझो, जीवन का सबसे बढ़िया यही स्थिति है, इससे बढ़िया स्थिति जीवन में कभी नहीं आ सकती है, ये समझो। भगवान जिस स्थिति में रखने पर अच्छा होगा,
ठाकुर जी हमें वही स्थिति पर रखे, जीवन में जिस स्थिति में है समझो जीवन का ये सबसे अच्छा स्थिति है। हाँ, बढ़िया स्थिति तभी आएगी जब भजन करेंगे, बगैर भजन से बढ़िया स्थिति कभी आ ही नहीं सकती है। इसलिए जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण का, इसलिए ये स्थिति सबसे बढ़िया स्थिति जान करके बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर ऐसे कोई कथा सुने भक्तों का मुखारविंद में, फिर क्या होगा, जीत तो अभी त्रैलोक क्या हम कहते अजीत होते हुए भी वो भक्ति को द्वारा वशीभूत हो जाते हैं। जब इतनी बात बोले ना महाप्रभु बोले यह है, अभी तक तो बोल रहे थे यह बाह्य, मतलब ये बाहर का विषय है, लेकिन जब यहाँ पर अभी प्रभु बता रहे थे ना, अभी बता रहे थे महत कृपा बिना कौन कर्म भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नाहक है। इसका मतलब है जब तक संतों का कृपा नहीं हो, जब तक महान पुरुष का कृपा नहीं हो, भैया भक्ति तो बड़ी दूर की बात है। कहते हाँ कृष्ण संसार नाहक है, संसारी कह नहीं होता है, केवल भक्तों का आशीर्वाद से ही तब भी भक्ति में प्रवेश, और कोई उपाय नहीं। इसलिए ये श्लोक में साधु संघ की महिमा और हरि कथा की जब महिमा बोले, महाप्रभु बोले भैया अभी तो लाइन में आ गया है, अभी तक लाइन से बाहर तो जा रहा था, अभी तक तुमने लाइन में। इसलिए कहते बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। इसलिए साधु संघ की सबसे बड़ा महिमा, इसलिए श्री भरत महाराज कह रहे हैं बोले रघु गणई न तपस्या न जाति न इज्जया न निर्बाप न गृहत्वा नैव छंदासी नैव जलाग्नि बिना महत पदो रजो विषयकम्। वहां पर मना कर दिए रघु गणई न तपस्या, अगर कोई बोले अरे हम खुद को तपस्या करके भगवान को पा लेंगे, अरे इतने बड़े कुल में जन्म लिया है क्या हम कुछ नहीं कर सकते हैं, न जाति न इज्जया दिन भर हम पूजा पाठ कर रहे हैं, अरे हमें घर छोड़ दिया हाँ गृहत बा नहीं वह छंद हम रोज रोज गीता भागवत वेद पढ़ रहे हैं हम हाँ रोज रोज जल अग्नि की पूजा हम कर रहे हैं सब भजन भजन कर रहे हैं क्या है। यहाँ पर कहते भैया इसको द्वारा भी कुछ कोई लाभ होने वाले नहीं, बोले कब तक, बोले बिना महत पजो रजो भी सकम, जब तक किसी साधु के शरण में तुम नहीं जाओगे इसको द्वारा भी भगवान तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं नई सांग मति स्थावत उरु क्रमांग्री स्पिशार्थ अनर्थ अपगवम जदर्थ निष्किंचना नाम न वृणित जावत। जब तक किसी निष्किंचन भक्तों को शरण में नहीं जाते हैं ये मति किसी तरह से अपना के द्वारा व दूसरों को द्वारा ये मति किसी तरह से भगवत चरण में लग ही नहीं सकते। जब उनने ये बात बताया ना महाप्रभु बोले भैया ये है हाँ, अभी तुम लाइन में आ गए, लेकिन अभी तो लाइन में आ गए अभी आगे चलना पड़ेगा, आगे अब चलना पड़ेगा, बोलो ये है और आगे की बात बताओ। फिर उन्होंने और आगे की बात बताते फिर हम दूसरे समय में सुन लेंगे ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री राय रामानंद प्रभु की, बोले सपार्षद गौर हरि की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे।